फ्रेंड्स, मैं कुलदीप वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के एनजी ब्लॉग मेंटोर स्टोरीज पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक कंप्लीट मील की रेसिपी। हाँ जी, आज हम बनाएंगे पैनकेक्स और उसके साथ में बनाएंगे हम पम्पकिन सूप और साथ ही हम बनाएंगे गवावा की चटनी। हाँ जी, जैसे कि हम जानते हैं कि जो पम्पकिन है इट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। इसमें फैट बहुत ही कम होता है, बाकी इसमें हम और अगर इसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज की बात करें तो इसमें विटामिन ए, पोटेशियम ऐसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्थ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे लिए जरूरी होते हैं। एज सच इस सब्जी को ज्यादा तो घरों में मुझे लगता है कि बच्चे पसंद नहीं करते तो नहीं बनाया जाता, लेकिन मैं इसको थोड़ा ट्विस्ट से अपने किचन में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करती हूँ और यकीन मानिए सूप और पैनकेक्स दोनों ही बहुत यम्मी बनते हैं। और जब पैनकेक्स हैं तो ऑब्वियसली साथ में कोई सॉस या चटनी तो चाहिए, तो फिर हम उसमें भी कोई कहते हैं ना कि आनाकानी नहीं करेंगे तो हम चटनी भी बहुत हेल्दी बनाएंगे। हम चटनी बनाएंगे गवावा की। हाँ जी, गवावा भी एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, और जिनको विटामिन D3 B12 की अगर कभी डेफिशिएंसी की शिकायत है तो उसको भी इसका कंसम्पशन करना चाहिए। तो मैं बनाने जा रही हूँ गवावा की चटनी और पम्पकिन के साथ पैनकेक्स और पम्पकिन का ही सूप। हाँ जी, ये कंप्लीट मील रेसिपी है, तो हम देख लेते हैं कि हमें इसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब हम देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें जो हमने पम्पकिन सूप बनाना है, कद्दू का सूप बनाना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए। उसके लिए अब ज्यादा कुछ नहीं लेंगे। ये तकरीबन 150 ग्राम पम्पकिन है, उसको मैंने छील लिया है, साफ कर लिया है। एक लेंगे छोटा सा टमाटर और एक बहुत ही छोटा अदरक का टुकड़ा। हाँ जी, शुरुआत में हमें सिर्फ इतना ही चाहिए। और इसके साथ में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा और ब्लैक पेपर। अगर आप ब्लैक पेपर नहीं यूज करना चाहते तो आप व्हाइट पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं यूज करना चाहते तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हरी मिर्च नहीं डालूंगी। मैं इसमें डालूंगी जीरा और साथ ही मैं ऐड करूंगी मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर। उसके बाद हम आ जाते हैं कि गवावा की चटनी के लिए हमें क्या चाहिए। ये मैं ले रही हूँ 2 गवावा। हाँ जी, हमने बिल्कुल पके हुए अमरूद लेने हैं जैसे कि हम खाते हैं, ठीक है। उसके साथ में हम लेंगे 1 इंच का तकरीबन अदरक का टुकड़ा। स्वाद के अनुसार आप ले लेंगे हरी मिर्च और एक छोटा बाउल आप ले लेंगे हरे धनिए की, ठीक है जी। ये हो गए हमारे चटनी के इंग्रेडिएंट। साथ ही साथ मैं चटनी में डाल रही हूँ फ्रेश लेमन जूस। आप इसकी जगह पे अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी इमली भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास खटाई बनी हुई है कच्ची अमलियों की आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल हेल्दी रखना चाहती हूँ तो मैं इसमें ऐड करूंगी फ्रेश लेमन जूस। साथ में हम थोड़े से मसाले और ऐड करेंगे, वो हम देखेंगे जब हम इसको ग्राइंड करेंगे। और अब आती है बात हमारे पैनकेक्स की। पैनकेक्स में मैंने लिया है तकरीबन 150 से 200 ग्राम कद्दू और उतनी ही ले ली है मैंने गाजर। और साथ ही साथ मैंने ये ना शकरकंदी इसको छील के पानी में डिप करके रखा है, क्योंकि अगर मैं इसको पानी से बाहर निकालूंगी तो ये काली हो जाती है। तो ये सारी चीजें तकरीबन 150-200 ग्राम के इक्वल प्रोपोर्शन में है। और इसके साथ ही मैं ले रही हूँ हरी कटी हुई मिर्च जो कि मैं पैनकेक्स में डालूंगी। और उसके बाद ज्यादा नहीं, हमें 2 से 2.5 चम्मच दही चाहिए होगा पैनकेक्स के लिए। और इसके अलावा हम इसमें बाइंडिंग के लिए मैदा भी ऐड कर सकते हैं, आटा भी ऐड कर सकते हैं, बेसन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत हेल्दी बनाना चाहती हूँ तो मैं इसमें डालूंगी मल्टीग्रेन आटा। तो अब ये तो हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स। सो हमने इन सब की जो पहले तैयारी करनी है वो ये है कि हमने पम्पकिन को और जिंजर को और इस टोमेटो को बहुत ही फाइनली चॉप करके हमने सूप को बॉईल होने के लिए रखना है। और जो हमारे पम्पकिन है, कैरेट्स है और स्वीट पोटैटो है, इसको हमने ग्रेट कर लेना है पैनकेक्स के लिए। और जो गवावा है इसको हमने स्लाइसेस में काट के इसके अंदर से सीड्स निकाल देने हैं। और हमने इन सबको आप चाहे तो चॉपर में कर लें, आप चाहे तो मिक्सी में पीस लें, तो हमने उसको पीसना है। तो हम एक बार ये तैयारी कर लेते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, सूप की तकरीबन तैयारी हो चुकी है। मैंने एक छोटे प्रेशर कुकर में टमाटर और जो पम्पकिन था उसको मैंने कट कर लिया है और जो जिंजर है उसको मैंने इसमें ग्रेट करके डाला है, आप देख सकते हैं। और मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून जीरा और 10 से 12 ब्लैक पेपर को दरदरा सा कूट लिया है, मैं वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ। हाँ जी, इसमें हमने और कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ अब जो हम ऐड करेंगे वो अंदाजे से आप 1 से 1.5 ग्लास इसमें पानी डाल दें। हाँ जी बिल्कुल, मैंने 1 से 1.5 ग्लास पानी डाल दिया है। और अब हम इसको रखेंगे गैस पे और हम इसको 2 सीटी आने तक कुक कर लेंगे।
मैं लगा रही हूँ कुकर का ढक्कन। हाँ जी, ये मेरा छोटू सा कुकर है, वेरी हेल्पफुल फॉर सूप एंड ऑल। तो चलिए अब मैं इसको दो विसल तक कुक कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ कैरेट्स वगैरह को ग्रेट करके और चटनी की तैयारी के बाद। तो फ्रेंड्स, सूप हमने ऑलरेडी गैस पे चढ़ा दिया था, तो इस चॉपर में मैंने धनिया, हरी मिर्च और अदरक डाल दिया है और मैंने गवावा को कुछ इस तरीके से डिसीड करके, यानी के बीज जो थे वो निकाल के, सिर्फ जो इसका पल्प वाला पोर्शन है मैंने वो रखा है। और इसमें मैं डालने जा रही हूँ आधा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर और आधा चम्मच ही काला नमक। नमक को हम टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और ये मेरे पास तकरीबन दो नींबू का रस है। हाँ जी, ये फ्रेश लेमन जूस है। मैं इसके साथ ये वाली चटनी इस चॉपर में पीस रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको मिक्स में भी बना सकते हैं। और अब मैं आपसे मिलती हूँ, इस चटनी को ग्राइंड कर लेंगे और हम अपने पम्पकिन को, कैरेट्स को और जो स्वीट पोटैटो हमने पानी में डिप करके रखा है, इन तीनों को हम ग्रेट कर लेते हैं, फिर हम बनाना शुरू करते हैं अपने पैनकेक्स। तो फ्रेंड्स, चटनी हमारी कुछ इस तरीके से बनके तैयार है। हाँ जी, देखिए कितनी यमी लग रही है। आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने चॉपर में बनाई है क्योंकि इसका जो दरदरा सा टेक्सचर है मुझे अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कैरेट्स, पम्पकिन तीनों चीजों को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज। आपको देखने में ग्रीन चिली शायद थोड़ी ज्यादा लग रही होंगी, लेकिन ये ना इतनी ज्यादा दिखी नहीं है इसलिए मैं थोड़ी ज्यादा ले रही हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। हाँ जी, मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मैं हाफ स्पून ले रही हूँ क्योंकि ये रॉक सॉल्ट है, ये थोड़ा ज्यादा ही जाता है इसमें। और इसके बाद मैं इसमें एक इंग्रेडिएंट और ऐड करूंगी, वो है 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी रोस्टेड जीरा पाउडर। हाँ जी, बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स डाल के एक बार हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी ये ग्रेटेड वेजिटेबल्स हैं उन सबको सॉल्ट है जो सॉल्ट के साथ वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, क्योंकि मिक्स होने के बाद ये ना अपने जूसेस को रिलीज करते हैं। हमें पता है कि जब भी हम इस तरीके की जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं उनको हम कट करें, चॉप करें, और जब हम इनमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं इस तरीके से ग्रेट करके या वाइल कुकिंग, तो ये ना बहुत पानी इनमें से जूस निकलता है। तो बस हमें वही, ताकि जब हम इसमें पानी ऐड करें तो वो ज्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने सॉल्ट है जो वो पहले ही इसमें डाल दिया है। ठीक है जी, अब मैंने इसमें ऐड करना है ज्यादा नहीं, 2 से 2.5 चम्मच दही। हाँ जी, 1 चम्मच मैंने डाल दिया, दूसरा भी डाल दिया और मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दूंगी। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। मेरा दही डालने का इसमें जो मेन मकसद है वो ये है, क्योंकि ये हमने इंस्टेंट बना के खाने हैं तो एक तरीके से थोड़ा फर्मेंटेशन वाला काम करेगा ये हमारे लिए, क्योंकि दही में अब हम जानते हैं कि ना थोड़ी खट्टापन होता ही है। तो वैसे तो ये फ्रेश दही है जो मैंने डाला है, तो ये देखिए, हालांकि मैंने इसमें कुछ नहीं तो काफी सारा पानी सब्जियों ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी मल्टीग्रेन आटा। हाँ जी, मल्टीग्रेन आटा क्योंकि हमने इसको हेल्दी ही रखना है तो मैं इसमें मल्टीग्रेन आटा ऐड करूंगी। इस एक छोटी कटोरी में ये मल्टीग्रेन आटा है, मैं इसमें सारा नहीं डालूंगी, हमने बहुत कम में भी 3 से 4 चम्मच ही जाएगा। ये रागी, जवार, बाजरा, सोयाबीन, इस तरीके के अराउंड 7 to 8 ग्रेन्स का आटा है जो मेरे पास अवेलेबल है और मैं इसी को डाल रही हूँ। अगर आप इसको सिंपल ही रखना चाहते हैं तो आप सिंपल गेहूं का आटा भी ऐड कर सकते हैं, चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, बेसन भी ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। इसमें कोई भी कंपल्शन नहीं है। मैं इसमें पहले 2 चम्मच डाल ले रही हूँ। हाँ जी, और हम इसको मिक्स करेंगे क्योंकि हमारा मकसद है कि इसमें वेजिटेबल्स ज्यादा खाई जाए, हमने ज्यादा आटा नहीं ऐड करना है और हमने इसको बहुत ज्यादा वाटरी भी नहीं बनाना है। ठीक है जी, 2 चम्मच आटा हमने मिक्स कर लिया, अब हम इसमें 2 चम्मच आटा और डाल देते हैं। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमें जरूरत पड़ेगी और आटा ऐड करने की। दिस गोज द 3rd स्पून और दिस इज द 4th स्पून। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। आई थिंक आटा सफिशियंट है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बहुत ही कम पानी, मैं बिल्कुल आपको दिखा दूँ, हार्डली
100-200 ml बस इतना सा ही पानी डालूंगी मैं इसमें, ज्यादा पानी नहीं डालना। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हमने इसको बहुत ज्यादा वॉटरी नहीं बनाना है। जैसे हम डोसा वगैरह का बैटर बनाते हैं, हमने इसको बिल्कुल भी वैसे नहीं बनाना है। तो हमारा ये मिक्सचर जो हमने बनाया था पैनकेक्स का, बनके तकरीबन तैयार है। तो अब हम रखते हैं अपना तवा और हम बनाना शुरू करते हैं पैनकेक्स। ये देखिए जी, कुछ इस तरीके का ही हमारा ये डोई मैं कहूंगी इसको, क्योंकि देखिए ये ऐसा है, ठीक है ना, हमें इससे ज्यादा इसको नहीं करना है। तो चलिए बनाने शुरू करते हैं पैनकेक्स। फ्रेंड्स, अब हम बनाना शुरू करते हैं पैनकेक्स। और सबसे पहले मैंने रख लिया है तवा, इसको दूसरा तवा है ये, आप चाहे तो सिंपल तवे पे भी बना सकते हैं। और इसको मैंने अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है। अब हम नीचे ऑन करते हैं गैस। शुरू में हम गैस की फ्लेम हाई रखेंगे ताकि हमारा तवा जो है वो अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, ठीक है जी। और आप देखिए, क्योंकि जो ये हमारा मिक्सचर है जिसके हमने पैनकेक्स बनाने हैं, इसकी भी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि काफी आई थिंक 4-5 मिनट हो चुके हैं। हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया था, तो तकरीबन सारी वेजिटेबल्स ने ही अपने जूसेस रिलीज कर दिए हैं, तो ये काफी अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई है। अब हमने इसको बनाना कैसे है, अगर आप चाहें तो बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड, हाथ में भी लेके आप इसको ना हल्का सा जैसे हम आलू की टिक्की बनाते हैं उस तरीके से भी बना सकते हैं, या आप सिंपल इस मिक्सचर को इस तरीके से तवे पे फैला लें, फिर इसको ऐसे प्रेस कर करके राउंड शेप दे दें। ये थोड़ा मोटा ही बनता है क्योंकि सारी वेजिटेबल्स हैं इसमें, आटा तो है ही बहुत कम, आप देखें वो तो सिर्फ हमने बाइंडिंग के लिए डाला है। हाँ जी, ये देखिए इस तरीके से आपने इसको स्प्रेड कर लेना है, कोशिश करें कि इसकी प्रॉपर राउंड शेप आ जाएगी और ये बहुत क्रंची बनने वाला है, ठीक है जी। तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसको एक लिड से ढक देंगे और इसकी हम फ्लेम कर देंगे लो। ये देखिए जी, फ्लेम है जो इसकी हाई थी, अब मैं इसकी फ्लेम थोड़ी सी लो मीडियम करके इसको ऊपर से ढक देती हूँ और मैं वेट करूंगी 1 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरीके से स्टीम कुक हो जाए। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसका लिड ओपन करेंगे। हाँ जी, और इसके साइड्स पे ज्यादा नहीं, 2-3 ड्रॉप्स हम ऑयल के डालेंगे और 1-2 ड्रॉप्स इस तरीके से ऊपर स्प्रेड कर देंगे और हम अब इसको बहुत जेंटली फ्लिप करेंगे। बहुत आराम से हो जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये कुछ हो चुका है। ये देखिए बहुत आराम से हो गया, इसको हम दोबारा से कवर करके कुक करेंगे। अब हमने इसी तरीके से इसे पलटते हुए दोनों तरफ से ही 1-1 मिनट 30-30 सेकंड्स करके इसको बहुत ही क्रिस्प हमने कुक कर लेना है। 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसको दोबारा से पलट लेंगे। अभी हुआ नहीं है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको पलटते हुए अच्छी तरीके से कुक कर लेना है। जब हम इसको फर्स्ट टाइम फ्लिप करते हैं तो आपने इसे कवर करना है, उसके बाद आपने इसे कवर नहीं करना है, इसी तरीके से आप इसको कुक कर लेंगे। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, मैंने मल्टीग्रेन आटा ऐड किया है, आप चाहें तो इसमें सिंपल गेहूं का आटा, चावल का आटा, मैदा या फिर आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ इसको, हमारा मेन जो एम है वो सिर्फ इसको बाइंडिंग देने का है। तो अगर आप हेल्दी खाना पसंद करते हैं, कुछ इस तरीके की आपकी लाइफस्टाइल है, तो आप मल्टीग्रेन आटा ऐड कर लें, नहीं तो आप इसको किसी भी तरीके से, क्योंकि मल्टीग्रेन आटा ऐड करने के बाद इसका जो लुक है वो थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है। अगर आपने बच्चों को देना है तो बेसन ऐड कर दें, फिर इसका जो लुक है वो बहुत ना कलरफुल सा आ जाता है, क्योंकि रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो कलर का बेसन हो गया, तो फिर वो बहुत अच्छा लगता है। डिपेंड करता है कि आप कैसे पसंद करते हैं और आपकी क्या प्रेफरेंसेस है। और इस एक बार इसको और फ्लिप करेंगे तो ये बहुत ही कुरकुरा सिक्के रेडी हो जाएगा। सारे बना लेने हैं, ये हमारा बनके रेडी हो चुका है। मैं इसको एक बार और हल्का सा फ्लिप कर लेती हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से सारी वेजिटेबल्स कुक हो जाएं। और ये कुक हो चुका है, अब हम चलते हैं सूप की तरफ, क्योंकि वो भी बॉईल हो चुका है। अब हम थोड़ा सा उसको भी गार्निश कर लें ताकि हमारा कंप्लीट मील जो है वो रेडी हो जाए। मैं इसको प्लेट में निकाल ले रही हूँ। देखिए जी,
कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन ये सिक्के तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं सूप की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा छोटू सा कुकर, स्टीम निकल चुकी है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए जी, कलर इसका कितना सुंदर आया है। अब हम इसको, आप चाहें तो मैशर के साथ या फिर ब्लेंडर के साथ हल्का सा इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं सूप को। ब्लेंड हो चुका है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे वेजिटेबल्स बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुके थे। अब हमने इसमें ऐड करना है थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, क्योंकि पहले मैंने इसमें नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो इसमें व्हाइट सॉल्ट, रॉक सॉल्ट कोई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें ब्लैक सॉल्ट का टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है, इतना सा मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। ब्लैक पेपर वगैरह मैंने ऑलरेडी इसमें डाल दी थी। तो हमारा जो सूप है वो तकरीबन बनके तैयार है, मील हमारा कंप्लीट तैयार है। तो मैं अब आती है बारी इसको सर्व करने की। तो पहले हम सूप को एक बाउल में डाल लेते हैं। मैंने इसमें थोड़े थोड़े से चंक्स पंपकिन के रखे हैं, रेस्ट आपकी चॉइस पे है कि आप इसको कितना ब्लेंड करते हैं, कितने चंक्स आप इसमें रखने पसंद करते हैं। मुझे चंक्स पसंद है। हाँ जी, ये देखिए, आप चाहें तो इसमें व्हाइट क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें व्हाइट क्रीम नहीं डाल रही हूँ। मैंने इस तरीके से मसाला टोफू के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, मैं इसमें वो ऐड करूंगी। आप चाहें तो पनीर भी डाल लें। और इसमें मैं हल्का सा ऐड करूंगी लेमन जूस। हाँ जी, ये देखिए हमारा जो सूप है बिल्कुल तैयार है। ये हमारा पैनकेक रेडी है, ये देखिए जी पैनकेक रेडी हो गया, ये हमारा सूप रेडी हो गया। और अब हम इसमें साथ में ले लेते हैं थोड़ी सी चटनी, और हमारा कंप्लीट जो मील है वो रेडी है। देखिए जी, हमारा कंप्लीट मील रेडी है। ये बहुत ही हेल्दी मील है, आप इसको लंच टाइम, डिनर टाइम किसी भी वक्त खा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो ये मील है ये बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आप इसको जरूर ट्राई करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ आप इसको शेयर करेंगे। हाँ जी, ये बहुत ही हेल्दी मील है, और मैं आपको तकरीबन हर व्लॉग में ही ये कहती हूँ कि हेल्दी खाना खाने के लिए बीमार होना जरूरी नहीं है। हम हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत कभी भी कहीं से भी कर सकते हैं, और वैसे भी आजकल वेजिटेबल्स बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, गवावास मार्केट में बहुत आ रहे हैं, पंपकिन तो अराउंड द ईयर ही अवेलेबल होता है। तो आप भी जल्दी जल्दी इसे बनाइए, ट्राई कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज आप इनको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो मिलती हूँ बहुत जल्द आपको एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।